तो मेरा नाम दीपक है, खरमान से, और डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, हरियाणा के अंदर। मैंने अपना ये जो गौशाला का काम है 14 अप्रैल 2017 से शुरू किया था। अभी मेरे पास 100 125 के आसपास गौवंश होंगे। सबसे पहले मैं 2 गाय लेके आया था, और 2 गाय लेके आने का इसलिए ही 2 गाय लेके आया था क्योंकि मैं उनको अब बारीकी से जज कर सकूं, उनको देख सकूं, उनको समझ सकूं कि उनके लिए क्या फीड अच्छी रहेगी, उनका दूध कैसे निकालना है, उनका कैसे निकलेगा, उनका टाइम पीरियड क्या है नए दूध होने का, जो भी सारी चीज़ें जज करने के लिए। तो 2 से शुरू करने के बाद मुझे अब कभी करीब 1.5 2 साल हो चुके हैं। 100 125 के आसपास गोवंश हैं मेरे पास। तो जो भी भाई अपने गौ सेवा जो करना चाहते हैं, गायों का जो फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो गौशाला बनाना चाहते हैं, मैं उन्हीं को यही बोलूँगा कि आप जितनी कोशिश हो सके कि 2 से 4 से ही शुरू कीजिएगा। 15 का 20 का 30 का लाट ना लाइए। उसके बहुत सारे कारण हैं, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है कि हमें जो काम कर रहे हैं, हमें उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान के चलो कि आप 15 गाय ले आते हो और 20 गाय ले आते हो, तो गायों का एक तो आप देखो कि आप दूध के लिए लेके आ रहे हो, या सेवा के लिए लेके आ रहे हो, या फिर अपने समाज में गायें जो आपको फैलानी है, अपने समाज वालों को जो अच्छी गायें देनी है, अच्छी नस्लें तैयार करनी है, उस पर्पज से आप गाय लेके आ रहे हो, या फिर दूध देने के लिए लेके आ रहे हो, तो वो आप देखिए। अगर कोई भी काम कर रहे हो आप, गाय लेके आ रहे हो, तो आपको उनको खिलाने के लिए फीड है, चारा है, उनके ऊपर जो खर्चा है, जो भी कॉस्ट आता है वो निकलना चाहिए। अगर निकलेगा नहीं, तब तक हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जिस मुकाम तक हमें पहुंचाना है वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, चाहे आदमी के पास कितने भी पैसे हों, ठीक है, क्योंकि वो फिर उनका साइज बढ़ जाएगा, 10 20 30 50 हो जाएंगे, जब से वो अपना खर्चा मतलब नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम पहले थोड़ी गाय लेके आए। उसका सबसे पहला कारण ये है कि अगर थोड़ी गाय होंगी तो हम अपने जो समाज के लोग हैं उनको उसका दूध दे सकेंगे। एकदम कोई भी आदमी 1 क्विंटल दूध नहीं लगता, किसी भी कोई भी बड़ी कंपनी है या कुछ भी है, कोई गौशाला है या कुछ भी मानो आप, तो एकदम उसका 1 क्विंटल 2 क्विंटल दूध नहीं लग सकता। ना ही वो कितनी भी अच्छी मार्केट उसको मिले, उसकी मार्केट उसके दूध को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ लोगों आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आप अच्छे काम करते रहोगे, वो भरोसा करते रहेंगे, दूध का उनका जो टेस्ट है आपके दूध का, वो उनके मुंह को लगेगा, उनकी जीभ को लगेगा, तो वो टेस्ट अपने आप बुलाएगा, वो धीरे धीरे होगा। तो जैसे दूध आपका बढ़ता जाए, उसी दौरान वैसे वैसे आप गाय बढ़ाते जाना। और उसका एक कारण और भी ये है कि आपके पास जैसे कि अभी 10 गायें आप इकट्ठी लेके आते हो, या 20 गायें इकट्ठी लेके आते हो, तो उसका जो नए दूध होने का टाइम होगा सभी का एक जैसा होगा। और जैसे आप दो दो लेके आते हो तो वो टाइम सबका बदलता रहेगा, 2 से 4 4 से 4, हर महीने आपके जो आगे 2 साल के बाद जो आपका गाय का जो डिलीवरी का टाइम है, वो महीने 15 20 दिन में, महीने में वो डिलीवरी होती रहेगी होती रहेगी, दूध भी बढ़ता रहेगा, नुकसान भी नहीं होगा। और एक बात और है कि स्टार्टिंग में आपके पास जो एक अगर गाय थोड़ी होंगी तो आप लेबर नहीं रखोगे, 2 3 गाय होंगी उसका खुद करोगे, खुद काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या बीमारियां आती हैं, क्या बीमारियां नहीं आती हैं, क्या आप उसको चारा डालोगे, उसके अंदर फीड क्या डलेगा, ग्रीन चारा क्या डलेगा, क्या चीज़ें उसको अच्छा लगता है। जैसे कि बरसीम होगी, अगर आदमी शुरू में कर रहा है तो बरसीम गायों का चारा नहीं होता है, एक्चुअल में वो चारा घोड़े का होता है। बरसीम ज़्यादा खाने से दूध में कड़वापन आता है, तो वो चीज़ें कोई बताएगा नहीं, और जब तक हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, और जो हमारे जो अपने कस्टमर हैं दूध वाले, वो जब तक नहीं बताएंगे वो चीज़ें नहीं पता चलेगी हमें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे अगर भाई मैं ये चाहता हूँ कि अपने समाज के अंदर जो गायों का जो कोई कोई भी भाई काम करे, वो एक तो सफल हो, वो असफल ना हो। सफल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सफल होगा तो
तो लोगों को अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा होगा, समाज के अंदर अच्छे आदमी होंगे, उनकी सोच अच्छी होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर सर ने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि जो भाई शुरू में जो काम को इसको करना चाहते हैं, इसमें पैसे का कोई इसमें महत्व नहीं होता ज़्यादा। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है और आप सोचें कि एकदम आप 40 से 50 गायों का हर्ड कर लें, तो आपको सक्सेस मिलना इसमें, मैं कहूँगा कि सक्सेस की कुंजी पैसा ही नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि शुरू में आप कम गायों से स्टार्ट करें और उसमें आपको एक एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपके जो कस्टमर हैं उनका, जो सर ने बताया कि उनका विश्वास जीतना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। शुरू में आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कस्टमर का फेथ कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। अगर आप गाय का हर्ड एकदम ले आते हैं तो उसमें सर ने बताया कि जो लैक्टेशन पीरियड है वो लगभग हर गाय का उसमें सेम होता है, और आपको पता नहीं चलता है कि कौन से गाय का जो लैक्टेशन पीरियड है कितना है और कब वो नए दूध आएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हर्ड जो है एकदम ही दूध के बिना हो जाए और आपके जो कस्टमर हैं वो दूध का इंतज़ार करते रहें, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी फेल हो सकते हैं। तो शुरू में सभी पशुपालक जो नया इस काम को करना चाहते हैं वो 2-4 से शुरू करें। इसमें पैसे का, और जो लोन लेकर जो इस काम को करते हैं, जो बड़े बड़े लोन बैंकों से लेकर 50-50 लाख 1-1 करोड़ जो बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, वो इस वीडियो से ज़रूर सीख लें कि बड़े फार्म और गाय एक साथ लेके आना और बड़े फार्म को स्टार्ट करना, वो सक्सेस उसमें होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप थोड़ी गायों से स्टार्ट कर और बड़े फार्म में, जैसा कि सर ने किया हुआ है, वो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ गायों से ही स्टार्ट किया था और आज उनके पास 100-125 गोवंश हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एक छोटे प्रोजेक्ट को करते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर ने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो जो दर्शक हमारे साथ नए आए हैं और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगली वीडियो में हम सर से जानेंगे कि वो फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं और उसमें कैसे खर्चा कम करते हैं, और उन्होंने जो ये सेड जो आप देख रहे हैं ऊपर, इस सेड में कितनी लागत आई है, और इन्होंने जो शुरू में जो टीन का जो सेड बनवाया था उसमें थोड़ी ही कॉस्टिंग ज़्यादा थी, और उसके मुकाबले जो इन्होंने एक्सटेंड यहाँ पर किया है, यहाँ पर जो आप बांस का जो सेट देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कीमत में काफ़ी कम, इसमें लागत भी कम आई है, और इसमें इन्होंने कैसे इसको कहाँ से बनवाया और इसमें कितनी इनकी लागत आई है, और दूध को ये कहाँ सप्लाई करते हैं और कैसे इस दूध का प्रचार और प्रसार करते हैं, और अपने गांव में भी उन्होंने इस जागरूकता को फैलाया है और गांव के लोगों को भी देसी गोवंश रखने का उन्होंने प्रेरित किया है, और अभी 30 से 35 जो गोपालक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी वो दूध लेकर आगे सप्लाई करते हैं, जिससे कि किसान के जो छोटे गोपालक हैं उनको भी फायदा होता है और इनकी भी जो दूध की मांग है वो बनी रहती है। तो सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर हमारे साथ साझा की है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।